बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक साथ दिल्ली में महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। और आपको बता दे, फॉर्मूला अब तय हो गया है। कांग्रेस को बिहार में कितना सीट मिलेगा इस पर भी मुहर लग चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो तूतूमय हो रहा था, सिर्फ फुरवल हो रहा था सीट बंटवारे को लेकर, अब उसका फॉर्मूला सेट हो गया है। कांग्रेस को जो जितना सीट मिलना था अब उस पर मोहर लग चुकी है। कांग्रेस भी तैयार हो गई है उतने सीट पर। आरजेडी ने देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव इस बैठक में थे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे, और अब मोहर लग चुकी है। आपको बता दे, कांग्रेस को 9 सीट दिया गया है। देखिए, आरजेडी साफ तौर पर कह दिया है कि 9 सीट कांग्रेस को देंगे, और कांग्रेस भी 9 सीट पर मान गई है। 10 सीट कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन 9 सीट आरजेडी ने कांग्रेस को, यानी कि लालू प्रसाद यादव ने दे दिया है। अब आपको बता दे, 3 लोकसभा सीट है, पूर्णिया, सुपौल, खगड़िया, इसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस यह तीनों सीट मांग रही है, और आरजेडी कह रही है कि यह 3 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि 9 सीट ठीक है, हम लेंगे, लेकिन वह 9 सीट लेंगे जो हमें मंजूर होगा। यह नहीं कि आरजेडी जो मन उस लोकसभा सीट या फिर जो जिस लोकसभा सीट पर देख रही है कि कांटे की टक्कर है, वह लोकसभा सीट कांग्रेस को दे दे और जहां आसानी से जीत हासिल हो उस सीट पर आरजेडी लड़ ले, तो ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस साफ तौर पर कह दिया है कि हमें वही 9 लोकसभा सीट चाहिए जो हम मांगेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि जो हम लोगों के बीच में समझौता है वह हो चुका है, अब केवल राजधानी पटना आते ही तेजस्वी यादव नाम का घोषणा कर देंगे, ऐलान कर देंगे कि कांग्रेस इतने सीट पर चुनाव लड़ेगी और कौन कौन लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गया है, आरजेडी को खाते में कौन कौन लोकसभा सीट गया है, अब केवल ऐलान होगा। तेजस्वी यादव यह भी कहें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, सीपीआई और आरजेडी तीनों एक साथ मजबूती से एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगा और एनडीए के खिलाफ प्रचार प्रसार होगा और किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना है। देखिए, तेजस्वी यादव संजय यादव के साथ दिल्ली में बैठक के लिए कांग्रेस के नेता के आवास पर पहुंचे और वहीं पर यह बैठक चली, जो सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में पेच फंस रहा था अब क्लियर हो गया है। 9 सीट पर कांग्रेस मान गई है, जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है, और वह 9 सीट जो कांग्रेस मांग रही है वही होगा। एक एक अपडेट दे रहा है, बिहार एक सोच पर बने रहे। धन्यवाद।